हेलो गाइस, क्या हाल चाल। तो आज 1 तारीख है और अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। सुबह मैं आज उठ के देखा तो एक मस्त प्यारा सा छोटू सा पिंपल आ चुका है मेरे माथे पे। हो गया 1-2 दिन की बात। तो ऑब्वियसली मेरे को इस पिंपल की चिंता तो नहीं है, पर यार मेरे को मेरे शेड्यूल की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है यार। क्योंकि तो याद है कि मैंने अपना स्लीप शेड्यूल कैसे ठीक करा था लेट सो सो के। पहले मैं रात के 3-4 बजे सोता था, फिर उसको मैंने सुबह के 5-6 करा, फिर ऐसे ही करते करते मैं रात के 7-8 बजे तक सोने लगा था। पर अब दिक्कत की बात यह है कि वो शेड्यूल बढ़ता ही जा रहा है आगे। मैं चाहता था कि 8 बजे स्टे हो जाए, पर वो आगे बढ़ ही जा रहा है। 8 से 8:30 हुआ, 8:30 से 9, 9 से 9:30 हुआ, कल मैं रात को 10 बजे सोया हुआ यार। जो भी है, पर मैंने डिसाइड करा है कि सुबह के 5 बजे से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं सोना है, फिर भले मेरी नींद कंप्लीट हुई हो या ना हो। एंड आज का भी वही हाल है यार, मेरी नींद कंप्लीट नहीं हुई, पर अब क्या कर सकते हैं, सह लेंगे थोड़ा। तो जुलाई खत्म हुआ यानी कि आज है एनालिसिस डे। तो एनालिसिस करते हैं कि कितने दिन अपन ने काम करा, कितने दिन नहीं करा। तो देखते हैं कितने दिन अपन ने काम नहीं करा। एक ही दिन मिस हुआ शिफ्टिंग के कारण, एक ही दिन मिस हुआ बर्थडे के कारण, और ये पता नहीं क्यों मिस हुआ। यहाँ पे मैं अपना शेड्यूल ठीक कर रहा था तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं कराया। तो यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि 2 दिन काम करा, 2 दिन काम नहीं करा। और यार मैंने स्टार्ट 2 तारीख से करा था यार, तो मैं 1 तारीख का क्या करूँ। इस पे भी क्रॉस मार देते हैं। तो इस महीने का स्कोर तो बोलते हैं इस महीने को अलविदा, स्टार्ट करते हैं नया महीना। और इस महीने का कोट है, व्हेन यू टॉक यू आर ओनली रिपीटिंग व्हाट यू ऑलरेडी नो, बट इफ यू लिसन यू मे लर्न समथिंग न्यू। इसलिए बोलता हूँ गाइस मेरी वीडियो देखो। तो नया चैप्टर सर्विसेज के बारे में। तो आज की बुक रीडिंग मेरी पूरी हो गई। आज मेरे को बहुत ज्यादा लेजी फील हो रहा था क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, तो मैं आराम से बिस्तर में लेट के 2 घंटे बुक पढ़ा हूँ आज। और आज ही मैंने ये सर्विस वाला चैप्टर स्टार्ट करा था और आज ही कंप्लीट कर दिया। ये चैप्टर लगभग इंटरेस्टिंग है यार। तो आज मैंने इसमें ये सीखा कि अगर कोई एक बिजनेस अपने प्रोडक्ट को लेके डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर से, तो उसे अपने सर्विस से रिलेटेड डिफरेंशिएट करना चाहिए मार्केट में। एग्जाम्पल Amazon और Flipkart यार सेम टाइप के बिजनेस ही तो हैं, पर Amazon ने अपनी सर्विस को डिफरेंशिएट करा, वो 1-day delivery 2-day delivery करना स्टार्ट कर दिए। उन्होंने एक टाइम पे अपना पूरा फोकस अपनी डिलीवरीज पे कर दिया था, उसके बाद ही उन्होंने same-day delivery 1-day delivery वो सब लाया था। और दूसरी बात जो मैंने आज सीखी वो ये थी कि सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एम्प्लॉयज को ट्रेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और यार एक एम्प्लॉय तो सर्व करता है एक कस्टमर को एक सर्विस बिजनेस में, तो एक टाइम पे कुछ कंपनीज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था ये समझाना अपने एम्प्लॉयज को कि कस्टमर कितने ज्यादा वैल्यूएबल है। तो उन्होंने एक चीज स्टार्ट करी कि जब भी अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देते थे उसके साथ एक मैसेज भेजते थे, वो मैसेज में लिखा होता था ब्रॉट टू यू बाय द कस्टमर। और सैम वॉल्टन जो वॉलमार्ट का फाउंडर है वो तो अपने एम्प्लॉयज से कसम खिलवाया करता था। वो कसम इस तरह की होती थी कि अगर कोई भी कस्टमर मेरे 10 फीट के आसपास आया तो मैं स्माइल करूंगा, मैं उनकी आंखों में देखूंगा और उन्हें ग्रीट करूंगा। ऐसा सब पढ़ के लगता है कि कितने क्रेजी तरह के मार्केटर्स हैं। रात को मैं काम कर रहा था तो ये माउस काम करना बंद कर दिया, थोड़ा बहुत पटकने में चालू हो जाता था पर फिर काम करना बंद कर देता था। आज इसकी लाइट भी बंद हो गई थी, तब मेरे को मालूम पड़ा कि खराब नहीं हुआ है, इसकी बैटरी खत्म हो गई थी, सॉरी ब्रो। आज यार संडे और चिल करने का मूड था, पर एक हमारे फ्रेंड ने डिस कर दिया, वो हमारे साथ नहीं आ रहा है। पर मेरा एक और फ्रेंड है वो आ रहा है, उसके साथ थोड़ा बहुत जाएंगे घूमेंगे फिरेंगे एंड बस शाम के 7 बजे बच्चों टाइप घर वापस ब्रो। तो ये चॉकलेट शेक मैंने महादेव वाले की शॉप से लिया है। हर एक एम्प्लॉय उसका नहीं बना पाता ऐसा चॉकलेट शेक जो एकदम अच्छा होता है। वहाँ पे एक एम्प्लॉय अजय नाम का, यार वो क्या चॉकलेट शेक बनाता है, फैन हूँ मैं। एंड यहाँ पे सृजन कचौड़ी के साथ कोल्ड कॉफी पीते हुए। रिलायंस स्मार्ट खुल गया शेड्यूल में और अभी सृजन को एक केचप चाहिए, तो हम लोग अभी कंफ्यूज है कौन सा ले, किसान का ले या फिर ये मैगी ब्रांड का ले। भाई मैं बता रहा हूँ मैंने ट्राई करा है मैगी ब्रांड का ले ले। और ये देखो गाइस लिज्जत पापड़, इसकी मैंने केस स्टडी पढ़ी है। हाँ भैया ये जिसने क्रिएट करा ना उसकी भी एक बहुत अच्छी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी रही है क्या भैया मैगी मसाला ये तो यार ये मेरे जैसों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जिनको सब्जी और फ्रूट वगैरह के नाम पता नहीं होते हैं उनके लिए बहुत सही है ये। ये देखो जिम वाला बंदा। ये भाई कुछ चाहिए, पेन पेंसिल कॉपी सोप केस अगरबत्ती। हाँ वापस हाँ वो बात है, स्कैम है भाई ये। ये अच्छा स्टोर खुल गया शेड्यूल में, पर यहाँ के अभी एम्प्लॉयज नूब है। एक एम्प्लॉय से हमने पूछा कि भैया पीनट बटर है, तो बोलते भैया क्या पीनट भैया फल्ली मिलेगी फल्ली उस तरफ फल्ली रखी। फिर उसे थोड़ा हमने समझाया कि भैया ब्रेड में लगा के खाते हैं पीनट बटर ऐसा कुछ है, तो बोला नहीं भैया ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ पे। तो फिर थोड़ा बहुत खाने पीने के बाद हम लोग मेरे एक दोस्त के होटल आ गए थे, मैं और सृजन। ये उसका होटल, तो कोई एक रूम में हम लोग बैठे हुए थे और वो अभी लेह लद्दाख को क्या है, तो उसने ऐसी जो स्टोरी सुनाई है ना हम दोनों का मन हो गया लेह लद्दाख जाने का। ये बात तो यार सचिन स्टोरी टेलिंग में बहुत अच्छा है ना, मतलब कुछ भी चीज वो एक्सपीरियंस करता है ना वो इतने प्यार से समझाता है।
मतलब इतने प्यार से स्टोरी सुना रहा था कि भाई हाथ ठंडे पड़ गए, इतना इतना पानी था उतने उसमें से बाइक में से निकाला। आधा एक घंटा कितना टाइम अपन ने कर दिया स्पेंड इसमें, आराम से डेढ़ घंटा। डेढ़ घंटे का पता ही नहीं चला कि कब डेढ़ घंटे चलेगा हमारे। चल ब्रो मिलते हैं ना भाई, एक बार वाला हो जाए फिस्ट पंप। बाय। सो राइट नाउ आई एम बैक टू माय होम। यार जितना मैं एक्साइटेड था इस वीकेंड के लिए, इस संडे के लिए, वैसा ही संडे तो नहीं गया यार, मतलब उसका 20-30% कह सकते हैं, पर ठीक है तब भी हमने एंजॉय कर ही लिया, स्टोरीज सुनी, स्ट्रीट फूड खाया। तो बस कल मंडे है तो अपना कल से रूटीन वापस एकदम स्ट्रिक्ट रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। और मैंने इस मंथ के लिए डिसाइड करा है कि यार मैं अब जितने भी मेरे टास्क होंगे दिन में वो बकायदा मेरे को मेरे हर एक टास्क पूरे करने हैं, और अगर हर एक टास्क में टिक मार्क होगा तब जाके मेरे कैलेंडर में टिक मार्क होगा। आज मैं ऐसे कैलेंडर को एनालिसिस कर रहा था तो मेरे को ऐसा फील आया है कि यार बहुत ही इजीली मैं टिक मार्क कर देता हूँ, मेरे को अब मेरे लेवल को रेस करना पड़ेगा, बार को रेस करना पड़ेगा। तो ऐसा हो सकता है कि इस महीने के जो मेरे कैलेंडर में टिक मार्क्स हो वो कम हो मेरे पिछले महीने से कंपेयर करा जाए तो। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।